हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए सिलेबस के बारे में 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 2022 में एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी छात्रों में छात्राओं के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, किस किस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस को कम किया गया है, पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं, किस तरह के पैटर्न रहने वाले हैं, मतलब 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पे सभी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। इसी तरह के फिजिक्स के मैथ्स का, बायोलॉजी का, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का आने वाले हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इस चैनल की ओर से आप लोग को जल्द से जल्द यहाँ पर तैयारी भी स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों छात्रों के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चा पार्टी, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 12 केमिस्ट्री सिलेबस 2022 के हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे बिहार बोर्ड के इंटर एग्जाम 2022 के सिलेबस इन हिंदी न्यू पैटर्न के बारे में। और एक चीज़ बता दूँ बच्चा पार्टी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप मटेरियल, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम को लेकर क्लास 10th और क्लास 12th, तो इस वेबसाइट के मदद से कर सकते हैं, starkstudypoint.com, ये क्लास 12 वालों के लिए है और क्लास 10th का जो है starkstudy.com है। दोनों वेबसाइट पे आप लोगों को सारे विषयों का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जाके जरूर विजिट कीजिएगा गूगल पर लिख के या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी को यहाँ पे पता ही है बच्चा पार्टी, अकादमिक जो 2021-22 के लिए मान्य है ये सारे सिलेबस आप सभी के लिए, वर्ष 2022 में बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाने वाली कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ बच्चा पार्टी, आप लोगों को यहाँ पे 50% अंकों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 50 अंकों के लिए गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी आपको पता ही है बिहार बोर्ड की ओर से। और एक चीज़ यहाँ पर जानने वाली बात यह है बच्चा पार्टी यहाँ पर, कि बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड के बुक्स में क्या अंतर है। देखो बहुत सारे समानता है, मतलब एनसीईआरटी को एससीईआरटी, मतलब बिहार बोर्ड जो खुद रिप्रेजेंट करके वही किताब आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो दोनों में कोई भी चेंजेज नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड 12 बोर्ड के सिलेबस और एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत समानता है। बिहार बोर्ड का अच्छा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय के कई टॉपिक्स और एनसीईआरटी किताबों के टॉपिक से मेल खाते, मतलब जो आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा वही आपको बिहार बोर्ड के बुक्स में मिलेंगे। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर, देखो 12 एग्जाम्स सब केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल कैनेटिक, बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर सॉलिड स्टेट हटाया गया, बिल्कुल नहीं बच्चा पार्टी, ये सभी देखो आप सभी के लिए जितने भी चैप्टर, मतलब टोटल 16 चैप्टर है एससीईआरटी बुक में, मतलब बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक में, तो ये सभी चैप्टर से आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आप लोग को हिंदी में भी बता दूँ, यहाँ पे ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है, पृष्ठ रसायन, ये सारे आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर है, मतलब सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र 2020-2021 वाले बोर्ड परीक्षा, मतलब 2020 में जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी कन्फ्यूजन में थे कि सर सिलेबस को कम किया गया, तो बिल्कुल नहीं किया गया। और इस साल भी एक परसेंट भी आपको सिलेबस नहीं किया गया है और आपको एग्जाम पैटर्न में जो है बदलाव कर दिया गया है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था वो डबल ऑब्जेक्टिव कर दिया, मतलब दोगुने विकल्प के साथ, वही चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। देखो बच्चा पार्टी, अब हम लोग जान लेते हैं कि कितने अंक के प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कभी कभी वेरीज करता है किस चैप्टर से, मतलब और ज़्यादा या फिर किस चैप्टर को कम कर दिया जाता है, तो ये एक एवरेज निकाला गया है कि ठोस अवस्था से 4 अंक, विलयन से 5 अंक, विद्युत रसायन से आपको 5 अंक, रासायनिक बलगतिकी से 5 अंक, पृष्ठ रसायन 3 अंक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बच्चा पी ब्लॉक के तत्व और जो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजिलिक एसिड, ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब समझो ना बच्चा पार्टी, सबसे ज़्यादा जो है पी ब्लॉक के तत्व से 8 नंबर के पूछे जाते हैं और इससे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, किसी किसी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं, किसी किसी से सब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो सभी मिला के टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, 70 मार्क्स से, ठीक है। इसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 35 आपको सब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें आपको 35 में आगे बताऊँगा अभी कि कितने प्रश्न रहते हैं। देखो अब बात करते हैं बच्चा नए पैटर्न के बारे में, कि किस तरह के पैटर्न रहने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में। आपको सभी को पता ही कि 2 तरह के रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और आपको गैर वस्तुनिष्ठ, मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न, और 30 अंक जो होता है वो आपको प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल के तो अलग अंक मिलते हैं 30, तो उसके लिए तो अलग एग्जाम्स होती है, वो आपको इंटरनली होती है, स्कूल कॉलेज में होती है। लेकिन देखो यहाँ पे जो अब मैं बता रहा हूँ बच्चा पार्टी, ये आपको किस तरह के पैटर्न रहने वाले हैं। देखो प्रश्नों के प्रकार, आवंटित संख्याओं की, प्रश्नों की संख्या कितने रहेंगे, कितने आपको जवाब देनी है और कितने अंक मिलेंगे। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे,
35 नंबर के एक अंक प्रति प्रश्न रहेंगे, टोटल 35 नंबर के, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10 का जवाब देना है और 2 अंक प्रति प्रश्न रहेंगे, टोटल नंबर 20 नंबर के। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको टोटल 3 का जवाब देनी है, 5 अंक प्रति प्रश्न और ये आपको 15 नंबर, ठीक है। अब ये अथवा वाला हटा दिया गया बच्चा पाटी, या अथवा अथवा करके आप एक ही में आपको दे दिया जाएगा और आपको जो 6 में 3 इजी लगे वो आप बना सकते हो। तो ये था बच्चा पाटी केमिस्ट्री का सिलेबस और पैटर्न के बारे में। बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे क्या सर इस साल सिलेबस को कम किया जा रहा है, तो बिल्कुल नहीं बच्चा पाटी, आप लोग तैयारी कीजिए और इस चैनल के मदद से हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पे लाइव क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट की जरूरत है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि काफ़ी सारे छात्र जुड़ पाए। हम आप सभी के लिए कुछ अलग प्लान कर रहे हैं बच्चा पाटी, और हर एक सब्जेक्ट का, ये नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मॉडल सेट तैयार कर रहा हूँ बच्चा पाटी। कम से कम यहाँ पे ना 30 से 40 मॉडल सेट, और हर दिन आपको चलेंगे 10-10 क्वेश्चन करके, और मैं अलग प्लान कर रहा हूँ आप सभी के लिए, जो आप सभी को मुझे पता है कि बिल्कुल पसंद आएगा, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट में बच्चा पाटी कैसा लगा ये वीडियो, और फिजिक्स का चाहिए सिलेबस, केमिस्ट्री का तो मैं बता दिया, बायोलॉजी का, मैथमेटिक्स, हिंदी इंग्लिश का, तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे, जय हिंद, वंदे मातरम।